और अब खबर रायपुर से, जहां पर पांच विभागों की संयुक्त कार्रवाई में एक कैफे से तीन नाबालिगों को हुक्का पीते गिरफ्तार किया गया। पांच विभागों की टीम क्षेत्र में महिला बाल अपराध को लेकर कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों ने दबिश देकर बूढ़ी माता चौक पर हुक एंड कुक कैफे से नाबालिगों को पकड़ा है। कार्रवाई को लेकर अधिकारियों से बातचीत की है संवाददाता सत्या ने। रायपुर में फूड के लाइसेंस पे किस तरह से अवैध कारोबार चल रहा है, इसका नजारा हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम ये रेस्टोरेंट में मौजूद है, जो कहने के मात्र रेस्टोरेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं अभी छापा पड़ा है महिला बाल विकास टीम का। यहाँ देखिए कि किस तरह फूड के नाम पर यहाँ पे सिगरेट, हुक्का और ये तमाम जो मादक पदार्थ है इसको बेचा जा रहा है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, जो नाबालिग बच्चे हैं, वो भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, तो हम अधिकारियों से जानते हैं कि कैसे यहाँ पे पहुँचे, क्या सूचना थी यहाँ पे, आज आप यहाँ पे छापामार कार्रवाई की है, निरीक्षण के लिए पहुँचे हैं, कैसे, क्या जानकारी थी आप लोग के पास? हमें जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति और जिला स्तरीय निरीक्षण समिति और बालकों का अवैध प्रवास और अनैतिक व्यापार के रोकथाम के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उसके तहत निरंतर हर स्थानों पे, प्रतिष्ठानों पे रेस्क्यू किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। और देखिए क्या है कि हुक्का तो ऑलरेडी मतलब गलत चीज ही है, जो कि जो यहाँ पे संस्थापक है उनको खुद को समझना चाहिए कि हम लोग 18 साल से कम वाले बच्चों को देना नहीं चाहिए, सर्व नहीं करना चाहिए। फिर भी कहीं ना कहीं पे ये लोग सर्व कर रहे हैं, जो कि गलत है। और ये लोग यहाँ पे रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करते हैं कि कौन किसका क्या उम्र है, कुछ डॉक्यूमेंट चेक भी नहीं करते ये लोग यहाँ पे। पर कम से कम जो भी यहाँ पे आता है, मैं बच्चों को यहाँ पे नहीं बोलूंगा कि बच्चे यहाँ पे गलत हैं, दिक्कत ये है कि जो यहाँ संस्था चला रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे बच्चों को ना दें ये सब चीज, और जो कि गलत है। और देखिए यहाँ पे तीन बच्चे, यहाँ पे नाबालिग बच्चे पाए गए हैं जो कि अभी हुक्का पीते हुए पाए गए यहाँ पे। अब इनको हम लोग समझाएंगे, इनके माता पिता को बुला के समझाएंगे कि बच्चे को न्याय कराया जाए और कड़ी से कड़ी हम लोग वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। ये अभी अभी अधिकारियों को सुना और हम आपको उस होटल का तस्वीर दिखाया जहाँ रेस्टोरेंट इनके नाम पर अवैध धंधे चल रहे हैं, हुक्का परोसा जा रहा है, नशे का पदार्थ है, यहाँ तरह तरह के यहाँ पे जो है सिगरेट जो रखे हुए हैं। तो इस तरह के यहाँ पे राजधानी रायपुर में लगातार अवैध का काम कारोबार धड़ल्ले से चल रही है। अब देखना ही होगा कि इस पे आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत और राज एक्सप्रेस रायपुर। कोविड-19